जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज और आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए, हम सब आत्म सम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। हम आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं जहां दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे बड़े कुश्ती के खिलाड़ी यहां पर आए हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनका नाम है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट यौन हिंसा किया है और कई खिलाड़ियों को स्टेज पर थप्पड़ मारने, उनसे बदतमीजी करने और कई कई उनको धमकियां देने जैसे आरोप इन पर लगाए गए हैं। कल से ही यहां पर कई खिलाड़ी मौजूद हैं। आज ये लोग सरकार से मिलने भी गए थे, मध्यस्थता के लिए गए थे, उसके बाद सरकार ने इनको आश्वासन तो दिया है लेकिन खिलाड़ियों का यही कहना है कि आश्वासन काफी नहीं है। दिनेश फोगाट ने कहा है कि अगर आने वाले समय में सरकार जल्दी फुर्ती नहीं दिखाती है तो वो अध्यक्ष के खिलाफ FIR भी करेंगे। और अभी सिर्फ एक दो लड़कियां सामने आई हैं लेकिन लगातार लड़कियां सामने आ रही हैं और अभी उनके पास 5 से 6 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने विद प्रूफ बताया है कि अध्यक्ष ने उनके साथ क्या किया था। हमने यहाँ मौजूद खिलाड़ियों से बात की और समझने की कोशिश की कि ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, हमने हाल ही में देखा था हरियाणा के मिनिस्टर संदीप सिंह को भी इसी तरह के आरोप उन पर लगे थे और उनको भी निष्कासित किया गया था, उन पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। हमने समझने की कोशिश की खेल में जो बड़े पदों पर मर्द बैठे हैं क्या वो अपनी पद है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल से छोटी महिला खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यौन हिंसा कर रहे हैं और आगे का रास्ता इस आंदोलन का क्या होने वाला है। देखिए न्यूज क्लिक की एक खास रिपोर्ट। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए 1 दिन 1 लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यह गेम छोड़ के आए नहीं है, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियाँ जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। देखिए कोई भी गेम का कोई भी स्पोर्ट्समैन झूठे एलिगेशन किसी के लगाता नहीं, उसके ऊपर गुजरती है तभी लगाता है। जी क्या जो जो मैंने आज का मैं जो 2000 से लगाया था, मैं 2003 के बाद में जो मेरी लड़कियां कम में रही हैं, आज भी कम में हैं, तो मैं तो शुरू से इसकी चर्चा सुनता था। भाई जो बात आ जाती थी भाई ये लड़कियों के बारे में इसकी बहुत घटिया सोच है, फलाने ऐसे काम करता है, जो है ऐसे बुला लेता है, मतलब इसकी जो मैं कैसा कपड़ा, लड़कियों तो ऐसे शब्द बोल देता, मैं एक लड़की को बोलता मैं कैसे कपड़ा पहनूँ, ये अच्छे लगते हैं आपको, दूसरे ऐसी भाषा बोलता है तो उसकी सोच कैसी हो सकती है। मैं उसका लड़की का नाम लेना चाहता ना इस बात का मैं कुछ करना चाहता, लेकिन बहुत घटिया सोच का है। अगर कुश्ती को बढ़ावा देना है तो ऐसे कुछ जो फेडरेशन अध्यक्ष उनसे जो सरकार जो ने अपने जो खेल मंत्रालय उसके अंडर में दे दे और सरकार खुद ऐसी फेडरेशन को संभाले। मनमानी तो खेल संघों के अंदर चल ही रही है, उसके अलावा खेल संघों के पदों के ऊपर जिन लोगों को बैठाया हुआ है उनका इतिहास भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। खुद ये जो ब्रिजमोहन शरण जिनको कह रहे हैं, जो इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनको पूरा मीडिया बाहुबली कह के पुकारता है, तो इनका जो जिस तरह का इतिहास है वो भी ये बताता है कि किस तरह के लोग वहाँ पे बिठाए हुए हैं। और अब जब उनको बर्दाश्त नहीं
नहीं किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, और एक से एक गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। यहाँ पे भी लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है इनके ऊपर, मंत्री के ऊपर, बच्चों का वजीफा खाने का आरोप है इनके ऊपर, और वहाँ पे कुश्ती के मैट के ऊपर खिलाड़ियों को थप्पड़ मारने का आरोप है। ये इतने गंभीर आरोप हैं कि इनको सुनते ही ऐसे आदमी को अध्यक्ष के पद से हटाया जाना चाहिए। और ये इस तरह का जो जिद्दी रवैया सरकार का जो नज़र आ रहा है, और पूरा ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा है। हम पिछले 15 दिन से लगातार हरियाणा के अंदर वहाँ के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने होनहार जो एथलीट है उसके साथ जो यौन हिंसा करी है, अटेम्प्ट टू रेप किया है, उसके बाद क्या कह रही है सरकार कि हमने उनका जो स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो है वो विथड्रॉ कर लिया। लेकिन हकीकत क्या है कि उसने जो अपराध किया है वो स्पोर्ट्स का अपराध नहीं है, वो पावर ऑफ पोजिशन की वजह से अपराध किया है उसने। और वो पावर ऑफ पोजिशन जब तक वो कैबिनेट रैंक पे बैठा हुआ है तो वो पावर ऑफ पोजीशन उसके पास है, और इसी वजह से वो तमाम जो न्याय की प्रक्रिया उसको प्रभावित कर रहा है। ऐसा कभी इस देश में सुना नहीं होगा कि जो अक्यूज्ड है यौन हिंसा का उसके कहने के ऊपर जो है SIT गठित की जाए। वो हरियाणा के अंदर DGP ने गठित करी है, और असल में वो SIT क्या है, वो उस मंत्री के द्वारा अपने डिफेंस में लड़की के चरित्र हनन की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके चरित्र के ऊपर कैमरे फोकस करने के लिए वो SIT जो है वो बनवाई है। ये जब रवैया चल रहा है यहाँ पे तो खेल और खेल का भविष्य, खिलाड़ियों का भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, और इसी वजह से इतने जो चिंतित लोग हैं आज वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तमाम तरह से अपने समर्थन का इजहार कर रहे हैं। और हमारा संगठन भी एडवा जो है और स्वयं हमारी जो पैट्रन है वृंदा कारात वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हरियाणा से हमारे जो प्रेजिडेंट सेक्रेटरी ये सब भी हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हम जूनियर में से सीनियर में आए हैं, 2-3 साल हुए हैं, हमारे साथ इतना कुछ हुआ है सीनियर में आने के बाद, तो जो सीनियर के हमारे जो पहलवान हैं जिन्होंने आवाज उठाई है उनके साथ पिछले 8-10 साल में कितना कुछ हुआ होगा आप वो सोच सकते हैं। जो देश को हमेशा मेडल दिलाते रहे, देश का झंडा इन्होंने हमेशा ऊंचा किया है, उन्हें सड़कों पर बिठा कर उनको ऐसे अपमानित नहीं किया जा सकता। इनके सम्मान में हम लोग सेव इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ आई है। संदीप सिंह की भी कुछ आती रही है, लेकिन ब्रिजभूषण जी की तो बहुत लंबे समय से कोई 10 सालों से चल आती रही हैं छोटी मोटी घटनाएं सामने, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। वो इतनी बड़ी बाहुबली हैं, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी हमारे पहलवानों ने तो हिम्मत जुटाई है, जब पानी सिर से ऊपर निकल गया है तो ये आगे आए हैं और प्रोटेस्ट के लिए हम यहाँ बैठे हैं। वो बहुत खुद इतने इनडिसिप्लिन है, वो सीधे गाली गलौच, कोचों को थप्पड़ मारो और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सीधा स्टेज से। और महिलाओं की बात करें तो बहुत हमारे जो लड़कियां हैं उनके साथ भी उन्होंने बहुत बार ऐसा काम किया है जो हम बता भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, और हमारे उसके पूरे प्रूफ हैं सम्मान पे, वो भी दिखा देंगे हम। आरोपी जब कोई होता है तो बौखलाहट में इसी तरह की बातें करता है, ठीक है, इसीलिए हमारा कहना ये है कि जो आरोपी हैं मतलब खेल मंत्री और वो अध्यक्ष जो हैं वो लोग इस्तीफ़ा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, और उसके बाद जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी साबित हो उसके हिसाब से फिर जस्टिस के लिए आगे बढ़े, ये हमारी मांग है। जो ये बड़े पद पे बैठे हैं ना इनको चाहिए पैसा, जो ऊपर से पैसा आ रहा है, पर पहलवानों के पास कोई पैसा नहीं जाता, ये बीच में ही खा जाते हैं, ये 20-20 करोड़ के सब कुछ ये कर रहे, किस कहाँ से आ गए इनके पास। पहलवानों के पास एक पैसा ना आता, नेशनल में पहले 3 लाख रुपए आते थे जूनियर में, अब आते हैं 35,000, कहाँ 3 लाख कहाँ 35,000 भी नहीं आते अभी तो। ऐसे ये सब कुछ आगे से तो पैसा आता, बीच में खा जाते हैं ये तो। नेशनल ज़्यादा करवा रहे। अभी मनु मेरा नाम, रोहतक से हरियाणा से हूँ, मैं रेसलिंग करता हूँ। जैसे पहले रेसलर थे, 3 कंपटीशन होते थे, उनको जॉब भी मिल जाती थी सभी को, जैसे कि कैडेट में मेडल आता था तो भी जॉब दे देते थे। पर अब ये कह रहे हैं कि 23 तरह के कंपटीशन हो गए, कंपटीशन तो इंक्रीज़ कर दिए, पर इन्होंने उनका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना, ना तो कोई प्राइज मनी मिल रही है प्लेयर्स को, ना और कुछ मिल रहा है। जैसे ये सीनियर में भी कई बच्चों मेडल आ रहे हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है, 10-10 मेडल आ रहे सीनियर में, बाहर से भी वर्ल्ड में भी मेडल आ रहे हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है। देखिए मेरी पूरी आस उम्मीद है भाई सरकार हमारी सुनेगी, प्लेयरों की और समस्या का समाधान करेगी।